Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, burn up again. Oh, bachcha, प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। J-E-S-U-S, Jesus is coming soon. Soon, yeah, soon, yeah. प्रभु के भविष्यवक्ता हो तो आप सभी आनंद में और मजे में ही होगे, है ना। आप सभी इस दुनिया के बिल्कुल नहीं हो, तो आप कौन हो? आप स्वर्गलोक के भविष्यवक्ता हो, इस पृथ्वी पर प्रभु के शब्दों की घोषणा करने वाले बच्चे हो, ठीक है। आप सभी भविष्यवक्ता अगले स्तर पर कैसे जाओगे वो आप एक शो के जरिए सीखने वाले हो, और वो शो क्या है? आपका पसंदीदा पपेट शो। शांति, क्या हुआ? तुम बहुत ही दुखी नजर आ रही हो। अरे हाँ, तुम्हें याद है जब हम शिविर के लिए गए थे? हाँ हाँ याद है, तब मैंने बहुत से दर्शन देखे थे और प्रभु की आवाज भी सुनी थी, लेकिन मैं अब दर्शन नहीं देख पा रही हूँ और प्रभु यीशुआ की आवाज भी नहीं सुन पा रही हूँ। ओहो, ये सब तुम्हारे साथ कब से हो रहा है? वो ना हमारा शिविर खत्म हुआ ना, तब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अरे शांति, शिविर को खत्म हुए तो 6 महीने हो चुके हैं, ये तो काफी महीनों से हो रहा है ना? हाँ फैनी, अच्छा ये बात है, लेकिन तुमने इस बारे में किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? ये बात किसी को बताना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैं ये बात बताती तो किससे बताती? अच्छा ये बात है, तुम चिंता मत करो शांति, प्रभु यीशुआ तुम्हारे साथ है। तुम्हें एक बात पता है, कल रात मुझे एक स्वप्न आया था। मेरे सामने शैतान था, वो काला था और उसके पूरे बदन पर बाल ही बाल थे। पहले मेरी आंखें बहुत ही तेजस्वी थी, फिर उसने मेरी आंखों में कुछ डाल दिया और डर के मारे मेरी नींद खुल गई। लगता है तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हाँ फैनी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आखिर मैं खुद को इस समस्या से कैसे मुक्त करूं फैनी, बताओ ना। इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। कुछ भी करके परिस्थिति बदलनी चाहिए। अरे 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 फैनी, ये क्या हो रहा है? ये कौन है? ये क्या हो रहा है? छोटे बच्चों, तुम लोग योजना बना रहे हो। हाँ, अब देखो मैं आज तुम लोग के साथ क्या करता हूँ। सैंडी, तुम्हारे दर्शनों को, तुम्हारे अभिषेक को मैंने ही चुरा लिया है। क्या कहा तुमने? मुझसे अभिषेक चुराया है? फैनी, अब मैं क्या करूं बताओ? डरो मत, प्रभु यीशुआ हमारे साथ हैं और हम इसे डरा सकते हैं, समझी? तुम उसका हौसला बढ़ा रही हो, पर मैं बच्चों की सेना का विनाश करने वाला हूँ। तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, हमेशा मेरी योजनाओं को पृथ्वी पर लोगों से बता बता के नष्ट कर दिया है, पर इस बार मैं नहीं हारूंगा। तुम हमारी सेना को खत्म करना चाहते हो? असंभव है, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। सैंडी, तुम मेरी सहायता करो इसे पूरा करने में। आओ और मेरी सेना से जुड़ जाओ और दूसरों के अभिषेक होने का कारण बनो। आओ आओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लग रहा है। प्रभु यीशु मेरी मदद कीजिए, प्रभु यीशु मेरी मदद कीजिए। यशुआ पिता को मत बुलाओ, मत बुलाओ। हे सैंडी, तुम्हें पता है उन्होंने शिविर में क्या सिखाया था? उन्होंने शैतान को कैसे हराना ये सिखाया था। चलो करके देखते हैं। कोशिश करने वाले हो, करो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। हे सैंडी, आ जाओ, आके मेरी सेना से जुड़ जाओ। आ जाओ सैंडी। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। फैनी फैनी, जल्दी मुझे योजना बताओ, मैं वो भूल गई हूँ। तुम्हें अपनी योजना, अगर तुम मेरी सेना से जुड़ गई तो मैं तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ दूंगा और तुम उसके बाद बहुत सारी चीजें कर पाओगी। हमें तुम्हारी शक्ति की जरूरत नहीं है सैंडी, प्रभु यीशु का नाम लेकर इसे यहाँ से भगा दो। यीशु पिता का नाम मत लेना, अगर तुमने लिया तो। प्रभु यीशु का नाम लेकर मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहती हूँ। सैंडी सैंडी, प्रभु यीशु का नाम लो। सैंडी, मैं नहीं ले पा रही हूँ। नहीं ले पाओगी, नहीं ले पाओगी, नहीं ले पाओगी, क्योंकि तुम मेरी सेना हो, मेरी सेना, मेरी सेना हो। प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे दूर जाने के लिए कहती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाओ शैतान। प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाओ शैतान। प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाओ शैतान। देख लिया ना, आखिरकार वो शैतान यहाँ से चला गया। फैनी, प्रभु की कृपा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम शैतान को प्रभु का नाम लेकर हरा सकते हैं। बोलो बोलो। हाँ फैनी। प्यारे बच्चों। अरे रे रे, अब ये कौन आ गया? डरो मत, मैं प्रभु का भविष्यवक्ता हूँ। मुझे पता है कि शैतान आया था तुम्हारी परीक्षा लेने। वो तुम्हारे दर्शनों को चुराना चाहता था और प्रभु के वचनों की भविष्यवाणी करने से वो रोकना चाहता था तुम बच्चों को, पर तुम लोगों ने शैतान को पराजित कर दिया। तुम्हारे आत्मा के अंदर जो शक्ति है, प्रभु उसे बढ़ाने वाले हैं। वाह, सच में? हाँ सैंडी, तुम्हारी आत्मिक आंखों को प्रभु फिर से नया करने वाले हैं। सैंडी, तुम्हारी रोती हुई प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है। तुम्हारा अभिषेक फिर से नया हो जाएगा। अब बच्चों की सेना में जो भी हैं, वो सब दर्शन देख सकेंगे। एक नया अभिषेक पृथ्वी पर फिर से उंडेला जाने वाला है, ताकि सब लोग दर्शन देख सके और भविष्यवाणी करें। अरे वाह, तो क्या मैं फिर से दर्शन देख पाऊंगी? बताइए। हाँ, पर मैं तुम्हें चेतावनी के वचन देता हूँ कि तुम सभी बच्चों को शैतान से सावधान रहना चाहिए, ताकि वो तुम्हें भटका ना सके और ना ही तुम्हारे अभिषेक को तुमसे छीन सके। ध्यान रखना, समय विलंब ना करेगी। शैतान की भटकाने वाली योजनाएं और बढ़ेंगी और तुम बच्चों को सावधान रहना होगा। ओहो, तो हमें कैसे सावधान रहना होगा? बताइए। तुम लोगों को प्रार्थना करनी होगी और बाइबल पढ़ना होगा, और उसके बाद सबसे जरूरी तुम्हें उपवास करके प्रार्थना करनी होगी। अच्छा, अगर हम वैसा करेंगे तो आप फिर से आकर हमें सिखाएंगे ना? हाँ, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को और प्रभु की सेना को तुम लोगों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है। उनके साथ तुम लोग जुड़ जाओ और प्रभु यीशु के आगमन का मार्ग तैयार करो। आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। हम प्रभु का आने का मार्ग तैयार करेंगे और प्रभु ने जो हमें दर्शन दिखाए हैं उसके बारे में सबको बताएंगे। क्यों दोस्तों, आप सबने पपेट शो देख लिया ना? बहुत अच्छा था, है ना? अब भविष्यवक्ता का अभिषेक आपके अंदर कार्य करने वाला है। प्रभु की पवित्र आत्मा आपके अंदर बढ़ेगी और आपके अंदर के इंसान को ताकतवर बनाएगी। आप सबको भविष्यवक्ता के अभिषेक में बहुत ज्यादा बढ़ना है। मैंने इस बारे में दो दोस्तों से बात की है। क्या आप मेरे साथ चलोगे? आप अपनी बाइबल, नोटबुक और पेन लेकर तैयार होना। तो चलो सुनते हैं। लतिका, कैसी हो तुम? ठीक हो तुम दोनों? बहुत अच्छे हो। हर रोज स्कूल में जाते हो ना? हर रोज घर का पाठ करते हो ना? ठीक है। और आत्मिक होमवर्क का क्या, वो करते हो या नहीं? तुम करते हो लुक सैमुअल? पढ़ता हूँ आंटी। पढ़ते हो? आज से आप सिर्फ पढ़ोगे ही नहीं तो बल्कि आपके दिलों में वचन समा जाएंगे, फिक्स किए जाएंगे। पवित्र आत्मा से आपको कहना कि ऐसा करना आपको सिखा दे। ठीक है, लुक सैमुअल हमारे लिए गीत गाएगा। वाला कामल एने तलया की नीर, कीला कामल एने मेला की नीर, वाला कामल एने तलया की नीर, கீழா காமல் என்னை மேலாக்கி நீர், அட கீழே கடந்த என்ன மேலே தூக்கி வச்சு, கிருப மேலே கிருப தந்து உயர்த்தி வைத்தீர், கீழே கடந்த என்ன மேலே தூக்கி வச்சு, கிருப மேலே கிருப தந்து உயர்த்தி வைத்தீர், நான் உம்மை துதிப்பேன், நான் உம்மை துதிப்பேன், கிருப மேலே கிருப தந்தீர், உம்மை துதிப்பேன், நான் உம்மை துதிப்பேன், நான் உம்மை துதிப்பேன், किरब मैल किरब तंदीर उम्मीद तुदी पे। ठीक है, बहुत अच्छे। तो प्रभु हमें क्या करते हैं, हमें नीचे नहीं रखते हैं, हमें कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं, ऊपर रखते हैं। इसीलिए उन्होंने आपको भविष्यवाणी का अभिषेक प्रदान किया। वो आपको एक छोटा बच्चा नहीं समझते हैं, बल्कि आपको प्रभु का भविष्यवक्ता बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो वो आपसे उनके शब्द बुलवा रहे हैं, है ना? ये बड़ी बात है कि नहीं? तो आपको भी ये सोचना है कि आप प्रभु के भविष्यवक्ता हो, कोई साधारण बच्चे नहीं हो। ठीक है, अब हम एक वचन पढ़ने वाले हैं। हागे का पहला अध्याय 14वां वचन। लतिका मेरी, चलो पढ़ो। और यहोवा ने शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोशादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को, और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाएं। ठीक है, तो यहाँ हम 3 लोगों के बारे में पढ़ते हैं, है ना? पहला है शालतियल के बेटे जरुब्बाबेल की आत्मा को, फिर जुड़ा के शासक की आत्मा को, और यहोशू महायाजक को, और सब बचे हुए लोगों को, है ना? और इन लोगों की आत्मा को प्रभु ने उत्तेजित किया। प्रभु ने उनकी आत्मा को उत्तेजित क्यों किया? वो सेनाओं के यहोवा के लिए घर बनाए इसलिए कर रहे हैं, है ना? ठीक उसी तरह वे आप छोटे बच्चों की आत्मा को भी हिलाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के राज्य को आपको बनाना है। उन्होंने आपको भविष्यवाणी का अभिषेक क्यों प्रदान किया है? चुपचाप बैठने के लिए नहीं, या सिर्फ एंजल कुर्तिस में जाने से, अभिषेक प्राप्त करने से, दर्शन देखने से बस हो गया, सिर्फ यही करना है क्या? बिल्कुल नहीं। प्रभु के राज्य को स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर लाने वाले बच्चे आपको बनना है। आप सभी की प्रार्थना में उतनी शक्ति होनी चाहिए, समझ गए ना? आप ये सिर्फ तभी कर पाओगे जब आपके अंदर बसा हुआ अभिषेक हर रोज बढ़ता रहेगा, और आपकी आत्मा उत्तेजित होनी चाहिए, है ना? जब आप घर पर प्रार्थना करोगे तो आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। पवित्र आत्मा आपके साथ एक रूप हो जाएगी। फिर प्रभु आपको भविष्यवाणी की बातों के बारे में सिखाएंगे। क्या करेंगे? सिखाएंगे। समझ गए ना? अगर आप सिर्फ टीवी देखते रहे या फिर गेम से खेलते रहे, अगर ऐसे ही समय बर्बाद करते रहे तो आपकी आत्मा उत्तेजित होगी, आत्मा सोती रहेगी। वो आपके अंदर ऐसी ही सोती रहेगी, और पवित्र आत्मा सोचती रहेगी कि लतिका की आत्मा कहाँ है, लुक सैमुअल की आत्मा कहाँ पर है। तब क्या वो आपसे एक रूप हो पाएगी? आपको शक्तिशाली बना पाएगी? क्या प्रभु आपको रहस्य बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगी तब आपको प्रार्थना में लीन होना चाहिए, आपको उसका इंतजार होना चाहिए। आपकी आत्मा आराधना के दौरान उत्तेजित होनी चाहिए। अगर आप ऐसे आराधना करोगे तब उनकी छाया और बढ़ेगी, और स्वर्ग लोक आपके साथ एक रूप हो जाएगा, और आपके मुखों में सूची प्रदान की जाएगी। तब सूची में क्या लिखा है आप देख पाओगे, और उसे पढ़कर क्या कर पाओगे? भविष्यवाणी। ठीक उसी तरह आप भी प्रभु का राज्य बना पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारणवश प्रभु ने योएल के 2 अध्याय के 28वें वचन में कही गई भविष्यवाणी का अभिषेक आप बच्चों पर उंडेला है। सारी दुनिया के बच्चों को, एंजल कुर्तिस के सारे बच्चों को प्रभु की सेना के रूप में उभरना है। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। सैमुअल तुम कौन हो? भविष्यवक्ता। लतिका तुम भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता हो। आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए। क्या भविष्यवक्ता 24 घंटे सिर्फ टीवी देखता रहेगा? नहीं। भविष्यवक्ता मोबाइल पर गेम ही खेलता रहेगा, चैटिंग करता रहेगा, या वीडियो गेम खेलता रहेगा, दोस्तों से बातें करता रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो भविष्यवक्ता क्या करेगा? प्रभु से बात करेगा। वो प्रभु का चेहरा दिखने का, उनसे बात करने के लिए इंतजार करेगा, प्रार्थना के लिए वक्त निकालेगा। स्कूल जैसे ही खत्म हो आपको घर जाना चाहिए, और बाद में फ्रेश होकर प्रार्थना करनी चाहिए। छुट्टियों में प्रार्थना करनी चाहिए, एंजल कुटीज में जाना चाहिए, अभिषेक प्राप्त करना चाहिए, स्वर्गीय चीजों को प्राप्त करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर एक अति उत्साही आत्मा होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, होनी चाहिए। प्रार्थना करने के लिए आलस नहीं करना चाहिए। प्रार्थना का शब्द सुनते ही आप क्या करते हो? अंगड़ाई देते हो, ओ मम्मी मैं थक गई हूँ, ऐसा कहते हो, है ना? तुमने कहा है ना? सच बताओ, कहा है कि नहीं? कहा है ना? तुमने भी कहा है ना? नहीं कहा? बहुत अच्छी लड़की हो। देखा, सैमुअल ने मान लिया है। सच बताओ लतिका, नहीं कहा? तुम नहीं कहती? अच्छी बात है, अच्छी बेटी हो। ठीक है, अब अगर आप ऐसे ही अच्छे बच्चे बने रहे तो प्रभु आपसे उनके रहस्यों का खुलासा जरूर करेंगे। सारी दुनिया में भविष्यवक्ता के काम करने के लिए आपकी आत्मा उत्साह से उत्तेजित होनी चाहिए। क्यों दोस्तों, आप सबने सुन लिया ना? नोटबुक में वचन लिख लिया ना? इस वचन पर आपको ध्यान करना चाहिए, इस वचन के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। ये कौन सा वचन है? प्रभु की आत्मा ने आपकी आत्मा को बलशाली करना चाहिए। आप छोटे बच्चों को उठकर इस पृथ्वी पर प्रभु का राज्य बनाना चाहिए। पृथ्वी पर भविष्यवाणी के शब्दों की और प्रभु के रहस्यों की घोषणा करनी चाहिए जो प्रभु का राज्य बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आत्मा की शक्ति होनी चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करें। अब हमारे दोस्त प्रार्थना करेंगे और उनके साथ हम भी प्रार्थना करते हैं। अब हम सब प्रार्थना करने वाले हैं। सारे छोटे बच्चे नीचे घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? आंखें बंद करके अन्य भाषा में प्रभु के नाम की स्तुति करो। जिन्हें भी अन्य भाषा नहीं आती है तो सिर्फ प्रभु यीशुआ के नाम की स्तुति करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं। और अब शिखे रे रबा शिखे रे रबा शिखे रे बिया रबा शिखे रे बे। पवित्र आत्मा, हमारे छोटे बच्चों का नियंत्रण कीजिए। प्रभु आपके शब्द इनके मुंह में दीजिए ईशा पिता। और अब शिखे रे रे बिया और शिखे रे बिया। और शिवा प्रभु, हमारे बच्चों के आत्मा को उत्तेजित कीजिए। प्रभु इन्हें पवित्र आत्मा से जुड़ने दीजिए ईश्वर पिता। और शिखे रे बे शिखे। जो बच्चे घरों में हैं, खुद को भूल कर अपनी आंखें बंद करके प्रभु के नाम की स्तुति करो। और अब शिखे रे बे, स्वर्ग लोग आपके साथ जुड़ने वाला है। और शिखे रे बिया। प्रभु इन सारे छोटे बच्चों की भारी आत्मा को हल्का कीजिए। प्रभु यीशुआ, भविष्यवक्ता का अभिषेक इन छोटे बच्चों में बसाए, उसे उत्तेजित कीजिए ईश्वर पिता। और शिखे रे बिया। महान प्रभु, हमारे सारे छोटे बच्चों को ऊपर कराने में मदद कीजिए और प्रभु का राज्य आने के लिए मार्ग बनाइए। और शिखे रे बे। प्रभु ये बच्चे असल में कौन है, इस बात का खुलासा इनसे कीजिए ईश्वर पिता। और अब शिखे रे बे मथालिया। और अब शिखे रे बे। प्रभु हर एक बच्चों को समर्थ बनाइए ताकि वो समझ सके कि उनका क्या स्थान है और ये एक भविष्यवक्ता हैं। और अब शिखे रे बे। प्रभु की आत्मा की छाया इन सारे बच्चों पर छाने दीजिए। इनके ऊपर सवार हो जाए ईश्वर पिता। बच्चों के अंदर बलशाली अभिषेक समा जाने दीजिए ईश्वर पिता। मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। इन्हें एक अभिषेक प्रदान किया जा रहा है। सारे छोटे बच्चों को जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इन सारे बच्चों को सिखाइए प्रभु। ईश्वर पिता, इनके अंदर जो भविष्यवाणी का अभिषेक है, इन्हें सीखने के लिए मदद कीजिए। सारे छोटे बच्चों को वो रहस्य प्रदान कीजिए जिस रहस्य को घोषणा सारी दुनिया में करनी है। इनकी आत्माओं को उसे प्राप्त करने दीजिए ईश्वर पिता। इनकी आत्मा को शक्तिशाली बनाइए ईश्वर पिता। और अब शिखे रे। महान प्रभु, इन सारे छोटे बच्चों के माता पिता इनके लिए आंसू बहाएं। उन्हें आंसुओं को देखिए, उन सारे माता पिता को देखिए जो आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं। उनका बच्चा दर्शन देख सके, भविष्यवाणी कर सके, ऐसी उनकी मन में इच्छा रखकर रो कर प्रार्थना करने वाले इन बच्चों के माता पिता की ओर देखिए। प्रभु इन छोटे बच्चों पर आपका हाथ रखिए। योएल के दूसरे अध्याय के 28वें वचन में बताए गए भविष्यवाणी के अभिषेक की मदद से इनकी आत्मा को मुक्त होने दीजिए। हर एक बच्चे के मुख से आपके शब्द बाहर आए, ऐसा होने दीजिए ईश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ। और शिखे रे। आपका दयालु हाथ हमारे बच्चों का इस्तेमाल करने वाला है, इसलिए आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। क्यों दोस्तों, आप सबने प्रार्थना की ना? प्रभु का अभिषेक आप सभी के अंदर समा गया है, ऐसा सभी को महसूस हुआ है ना? कुछ को प्रभु की आवाज सुनाई दी होगी, दर्शन भी दिखे होंगे और प्रभु ने आपको समझाया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? हमें लिख भेजना है आपके साथ क्या हो रहा है, हमें जानकर खुशी होगी। देखो, सारे माता पिता ने हाँ सिस्टर कहकर सर हिलाया। तो अब आपके बच्चे को क्या महसूस हुआ वो उनसे पूछिए और हमें अरुणबुगल की ईमेल आईडी पर लिख कर भेज दीजिए। जब आप हमें ईमेल करें तो अपना नंबर लिखना मत भूलिए मिलेगा। कई लोग हमें संपर्क कर रहे हैं और उन्हें दर्शन दिख रहे हैं और उन्हें आए आत्मिक अनुभवों से हम बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ये सभी चीजें प्रभु ने सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं बनाई है, पर उनके साथ साथ उनके माता पिता, उनके दादा दादी और जो भी ये कार्यक्रम देखते हैं वो हमें उनके अनुभव बताते हैं और कहते हैं कि अरुम्बुगल कार्यक्रम उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। ठीक है, आप सभी को प्रभु के आने का मार्ग बनाना चाहिए। बच्चों को भविष्य वक्ता की तरह उभर कर प्रभु के लिए चमकना चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हर रोज बाइबल पढ़नी चाहिए, प्रभु के शब्दों को सुनकर भविष्यवाणी जरूर करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। बाय। एन्जल टीवी का दार्जिलिङ एवं सिक्किम का प्रिय दर्शक वृन्द, अब तपाईले आफ्नो भेटी कालिम्पोङ जीसस मिनिस्ट्रिज कार्यालयमा पठाउनको निम्ति हाम्रा दार्जिलिङ अनि सिक्किमका प्रतिनिधिहरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो दार्जिलिङको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ पास्टर सरोज रोङ्गो, ठेगाना एजेसी बोस रोड, सर्किट हाउस दार्जिलिङ 734101 पश्चिम बंगाल। संपर्क नंबर 9851025098, 9564371338। सिक्किमको निम्ति श्रीमती छोडेन लेप्चा मार्फत सुरेश छेत्री, छोजाङ भुटिया बिल्डिङ आरिथाङ, आरिथाङ स्कुल छेउ, गान्तोक सिक्किम 737101। संपर्क नंबर 7797888563। तपाईले आफ्नो चेक और डिमान्ड ड्राफ्ट जीसस मिनिस्ट्रिज नाम गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यालयको ठेगाना यस प्रकार छ: जीसस मिनिस्ट्रिज, प्रेमताम रोड, मिस्टर कटेज, पोस्ट अफिस कालिम्पोङ 734301। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 03552255052। हाम्रो इमेल आइडी छ jmkpg@jesusministries.org।